जय श्री श्याम फ्रेंड्स, अगर आप भी छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं वो भी ऑर्गेनिक तरीके से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल सिद्ध होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जो भी टिप्स मैंने बताए हैं उनको फॉलो करेंगे तो आप भी इसी तरह से हार्वेस्टिंग अच्छे से लेते रहेंगे। तो सबसे पहले आप एक पैकेट खरीद लीजिए, फिर उन बीजों को करीब एक दिन तक पानी में भिगो कर रखिए। अगले ही दिन फिर उसको मिट्टी में ऐसे आधा आधा इंच तक मिट्टी में दबा दीजिए और अच्छे से मिट्टी से फिल कर दीजिए। फिर इसमें पानी डालकर करीब 2 से 3 दिनों तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। सभी बीजों को मैंने मिट्टी में अच्छे से कवर कर दिया है, पानी डालकर छोड़ दिया है। अब आप देखेंगे 2 से 3 दिन में आपके सभी बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। ये रिजल्ट मेरा करीब 3 दिन का है। आप देख सकते हैं सभी बीज जर्मिनेट हो चुके हैं। अब बारी आती है सोयल मिक्स तैयार करने की। तो उसके लिए मैंने मिट्टी, फंगिसाइड, कोकोपीट, नीम खली और सरसों खली सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है ट्रांसप्लांट करने की। तो मैंने सभी पौधों को ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया है। सभी पौधों को मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है। अब करीब 20 दिनों तक ऐसे ही जब ज़रूरत हो तब पानी देते रहिए। 20 दिन बाद फिर आप बोतल लीजिए। बोतल को ऐसे ही एक साइड से कट कर दीजिए और करीब 5 से 10 इस तरह से छेद कर दीजिए। फिर मिट्टी में दबा दीजिए और जो भी घर आपके घर से सब्जियों के फलों के छिलके निकलते हैं, जैसे सेब, केले, सब्जियों में जैसे लौकी, खीरे, आलू, प्याज, जो भी आपके घर में छिलके यूज होते हैं उनको इसमें यूज कीजिए। और जब भी आपको पानी डालना हो तो आप इसी बोतल में पानी डालें, इससे ये खाद का रूप जल्दी ही ले लेंगे और आपके पौधों को बहुत हरा भरा और बहुत सारे फूल और फल लगेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पौधों का रिजल्ट कितना अच्छा निकल कर सामने आया है, क्योंकि अगर मैं खाद भी देना भूल जाती हूँ तो ये सड़कल कर खाद का रूप ले लेते हैं और मेरे पौधों को बहुत अच्छी खाद के रूप में प्रदान होता है। अगर आप भी इन्हीं टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके छत से भी इसी तरह सब्जियाँ हार्वेस्टिंग करने के लिए मिलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आप कौन से गांव या शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ इसको तोरी बोलते हैं। आप भी बताइए कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। करीब 4 से 5 तोरी मुझे डेली हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाती है।